चुनावी समर में कदम रख चुके राजस्थान की बयार अब बेहद तीखी हो चली है। सिरधुर विरोधी राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अब अपने अपने शत्रुओं के साय में खड़े हो गए हैं और इस चुनावी रणभूमि में अपनी अपनी तलवारें लेकर इस सियासत के रण को जीतने की जुगत में लग गए हैं, जिसमें मेवाड़ का रण काफी रोचक हो गया है। सियासत के गढ़ में आज हम देखेंगे इसी मेवाड़ के प्रतापगढ़ जिले का सियासी इतिहास, वर्तमान और टटोलेंगे इसका भविष्य। जिला प्रतापगढ़, जिसने चित्तौड़गढ़ से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाई, 56 साल के लंबे संघर्ष के बाद उसने अपने इस लक्ष्य को पाया। अब वही प्रतापगढ़ फिर से अपने सामने एक और विधानसभा चुनाव को देख रहा है। सिर्फ दो विधानसभा सीटों वाले इस जिले की सियासत में बात करेंगे पहले प्रतापगढ़ सीट की। मेवाड़ की सियासत से ही राजस्थान की राजनीति का रंग चटक हो जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 19 नए जिलों और 3 संभागों का तोहफा राजस्थान को दिया, उससे यहां का भूगोल तो बदला ही, साथ ही यहां की सियासत का भी रूप बदल गया। पहले मेवाड़ इलाके में सूबे की 28 सीटें आती थी, लेकिन सीमांकन के बाद अब ये सीटें घटकर 23 ही रह गई हैं। उदयपुर संभाग से डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा प्रतापगढ़ जिले को भी तोड़ा गया है, इसलिए यहाँ की सियासत भी काफी बदल गई है। प्रतापगढ़ इसी मेवाड़ का हिस्सा है। प्रतापगढ़ का नाम सुनते ही कुछ पल के लिए आज के दौर की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के चेहरे आंखों के सामने तैर जाते हैं, तो यहाँ की संस्कृति की सौंधी खुशबू और कई राज अपने सीने में छिपाए यहाँ के पर्यटन स्थल प्रतापगढ़ को बेहद खास बनाते हैं। ये जिला प्राकृतिक संपदा का धनी है। इस जिले को कांठल प्रदेश और देवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद प्रतापगढ़ की एक रियासत ने भारतीय राज्य में शामिल होने की बात एक शर्त पर मंजूर की थी कि प्रतापगढ़ को एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए 1948 से 1952 के बीच प्रतापगढ़ एक स्वतंत्र जिले के रूप में बना रहा, लेकिन सीमाओं के पुनर्गठन के चलते प्रतापगढ़ पहले निम्बाहेड़ा और फिर चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा बन गया। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान के मानचित्र पर 33वां जिला होने का गौरव मिला। यह उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों से लिए गए क्षेत्रों से बनाया गया है। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के बीच ही मुकाबला होता आया है। पिछले 35 सालों से इस विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का इस सीट पर कब्जा रहा। पूर्व मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता नंदलाल मीणा लगातार प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए थे। इस विधानसभा सीट की बात करें हम तो एक जो मुकाबला हुआ बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मीणा और जनजाति विकास विभाग के पूर्व मंत्री रहे नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा के बीच, कभी रामलाल मीणा नंदलाल मीणा के चेले हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उप जिला प्रमुख के पद पर काबिज थे, लेकिन जब नंदलाल मीणा से अनबन हुई तो रामलाल मीणा 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बनाई गई राजपा में शामिल हो गए और विधानसभा का चुनाव नंदलाल मीणा के सामने लड़े, लेकिन उस समय रामलाल मीणा को हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में रामलाल मीणा राजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। ये जिला अपनी कला संस्कृति, हाथों से बनाए गए कांच के खूबसूरत आभूषण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के भोजन में प्रयोग होने वाले सौंधे गर्म मसाले, जीरा और हींग भी फेमस है। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों और मालवा पठार के बीच इसकी कई ऐतिहासिक इमारतें और बाग बावलियां हैं।
यहाँ अक्सर सैलानियों की भीड़ रहती है। बता दें कि ये जिला कई आदिवासी गाँव से घिरा हुआ है। प्रतापगढ़ एक पहाड़ी किला है जिसे देवगढ़ या प्रतापगढ़ किला कहते हैं, जो एक बेहद लोकप्रिय टूरिज्म स्पॉट बन गया है। प्रतापगढ़ जिला हमेशा से ही क्षेत्रीय राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। यहाँ सिर्फ दो विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें प्रतापगढ़ विधानसभा सीट जो ST रिजर्व है, यहाँ पर कांग्रेस के रामलाल मीणा विधायक हैं, और दूसरी धरियावाद विधानसभा सीट है, वो भी ST रिजर्व है। यहाँ 2021 में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के नगराज मीणा ने जीत दर्ज की थी। बात सबसे पहले प्रतापगढ़ विधानसभा सीट की करते हैं, जहां पिछले 25 साल से ज्यादा BJP का राज रहा। प्रतापगढ़ के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहां 1977 से हुए अब तक के चुनाव में 7 बार BJP जीती है और महज 2 बार कांग्रेस अपना विधायक बना पाई है। एक बार जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी यहां मौका मिला है। इनमें 1977 में जनता पार्टी के कालू विधायक बने, 1980 में BJP के नंदलाल जीते, 1985 में कांग्रेस के धनराज मीणा ने नंदलाल को हरा दिया था, 1990 में BJP से राघव चंद विधायक बने, 1993 में फिर से BJP के नंदलाल ने बाजी मारी और ये सिलसिला 2018 तक चला। फिर 2018 में नंदलाल के बेटे हेमंत मीणा ने BJP से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के रामलाल मीणा ने उन्हें हरा दिया था। आंकड़े बताते हैं कि बरसों से प्रतापगढ़ सीट और नंदलाल मीणा एक दूसरे के पर्याय रहे। वो कई बार मंत्री भी रहे, एक बार सांसद भी रहे, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से उनके मतभेद थे, जिसके चलते उन्हें कई बार राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। उसके चलते उन्हें प्रतापगढ़ भेजा गया। प्रतापगढ़ जाने से पहले वो उदयपुर ग्रामीण से विधायक बने थे, लेकिन पिछले चुनाव में BJP के इस गढ़ को कांग्रेस ने भेद दिया था। यहाँ 5 चुनावों के बाद साल 2018 में कांग्रेस का विधायक बना था। अब सवाल ये उठता है कि 25 साल लगातार राज के बाद आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? राजस्थान की राजनीति में दबंग और बेबाक नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले नंदलाल मीणा यहाँ से लगातार 5 बार विधायक बने, वो मंत्री भी रहे। यहाँ नंदलाल मीणा ने पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि कोई उसको हिला भी नहीं सका। इसके बाद 2008 में प्रतापगढ़ नया जिला बना। नया जिला भी नंदलाल की ही देन माना जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद पिछला चुनाव भाजपा यहाँ से हार गई। अपने गिरते स्वास्थ्य के चलते नंदलाल मीणा ने अपने बेटे हेमंत मीणा को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन हेमंत मीणा वो कारनामा नहीं कर पाए जो उनके पिता करते थे, और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। यह आरोप भी लग रहे हैं कि 5 सालों के दौरान विधायक रामलाल मीणा ने इलाके में काफी भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार यह आरोप रामलाल मीणा पर लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आज दिन तक उन आरोपों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई तथ्य पेश नहीं किए गए और न ही उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई प्रयास किए गए। इसी वजह से रामलाल मीणा का जो दबदबा है वो काफ़ी बड़ा है। अब इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो यहाँ पर है ही, बीते 5 सालों में भारतीय ट्राइबल पार्टी जो थी उनका भी अस्तित्व, उन्होंने भी इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस को चुनौती दी है, और इसका सीधा सा परिणाम देखने को मिला पंचायत राज चुनाव में, जब गलोट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस भारतीय ट्राइबल पार्टी से पिछड़ गई और उन्होंने पंचायत समिति के प्रधान पद पर कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति है विधानसभा चुनाव में, तीसरी ताकत के रूप में भारतीय ट्राइबल पार्टी और उससे अलग होकर बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, दोनों ही निश्चित तौर पर मैदान में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए परेशानियां पैदा करेगी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नंदलाल मीणा का जो रुबाब है उनके बेटे के नाम पर वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। उनके सामने चुनाव लड़कर चुने गए कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा पहली बार ही विधायक बने। ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी सीट पर ना तो मुद्दे अहम होते हैं ना शिकवे शिकायत, इसलिए आदिवासी सीटों पर प्रत्याशी का सघन संपर्क और सुख दुख में काम आने का भाव ही काम आता है। बीते चुनाव में भी ये तथ्य हावी रहा था। बता दें कि प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, यहाँ सुविधाओं का अभाव है। CM अशोक गहलोत ने जब अपनी सरकार का आखिरी बजट जारी किया था उस समय भी लोगों ने कई उम्मीदें जताई थी।
सीएम गहलोत ने यहां सबसे बड़ी घोषणा मेडिकल कॉलेज खोलने की थी। प्रतापगढ़ को यूआईटी और सिटी पार्क देने के भी ऐलान हुए थे। वहीं अरनोद और दलोट पंचायत को नगरपालिका बनाना सहित लोगों की कुछ अन्य मांगे थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर विधायक रामलाल मीणा ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी और इस सीट पर जीत हासिल की। पिछले 5 सालों में इस इलाके में काफी परिवर्तन हुआ। 2008 में यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया, जिसका श्रेय यहाँ पर तत्कालीन जनजाति विकास विभाग मंत्री रहे नंदलाल मीणा को दिया गया। तो कुल मिलाकर 35 साल से नंदलाल मीणा की जो राजनीति थी, क्षेत्र में उनकी पकड़ थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और संगठन का वर्चस्व गांव-गांव ढाणी ढाणी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो आज बात सामने आ रही है, एकजुट होकर मोदी की नीतियों के साथ वो इस चुनाव में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वसुंधरा का फैक्टर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो वसुंधरा गुट से जुड़े हुए लोग हैं और जो उनके विरोधी है, दोनों में तालमेल फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ की सियासत को समझने के लिए यहाँ के सियासी ताने बाने को जानना बेहद जरूरी है। प्रतापगढ़ की करीब 3 लाख की आबादी है, जिनमें से 87% आबादी गांव में निवास करती है। यहाँ 53% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। एसटी बाहुल प्रतापगढ़ की जनता अपने रीति रिवाजों और विरासत को सहेजने में अधिक विश्वास करती है, लिहाजा यहाँ विकास की गति बेहद धीमी है। अब देखना यह होगा क्या भाजपा अपने किले को बचाने में एक बार फिर कामयाब हो पाती है, या फिर प्रतापगढ़ विधानसभा का यह दुर्ग कांग्रेस के नाम होकर रहेगा। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की दूसरी विधानसभा सीट की बात करते हैं, जिसका नाम है धरियाबाद। महज 2 साल पहले इस विधानसभा सीट ने एक उपचुनाव देखा है, जिसमें कांग्रेस भाजपा को पछाड़ते हुए आगे निकल गई। यहां विश्लेषण करेंगे इस सीट के सियासी समीकरणों का और बताएंगे आपको यहां के मुद्दे। जिला मुख्यालय से 39 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह स्थित है, नाम है धरियाबाद। वो धरियाबाद जो पहले उदयपुर का एक उपखंड था, बाद में राजस्थान सरकार की अधिसूचना के बाद 25 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बनने पर ये इसका हिस्सा बन गया। धरियाबाद सीता माता वन अभयारण्य की सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। इस जगह को महाराणा प्रताप के करीबी सका धारिया बरोड़ ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। बरोड़ की कुलदेवी मुआर माताजी का प्राचीन मंदिर आज भी धरियाबाद कस्बे से 10 किलोमीटर दूर केसरियाबाद गांव में स्थित है, जो इसका एक अहम पुख्ता प्रमाण है। यहां का धरियाबाद किला अब एक हेरिटेज होटल में बदल गया है। ये पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा सीता माता वन्य जीव अभयारण्य भी यहां के टूरिज्म स्पॉट बन चुके हैं। अब यहां की सियासत की अगर बात करें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां की सीट बीजेपी ने कब्जाई थी, लेकिन पार्टी के विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के चलते ये सीट खाली हो गई, जिस पर साल 2021 में उपचुनाव हुआ और इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस यहाँ बीजेपी को ऐसी पटकनी दी कि उसने बीजेपी से सिर्फ सीट ही नहीं छीनी, बल्कि पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। राजनीतिक जानकार इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी गलती को कारण बताते हैं। यहाँ पर सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक नगराज मीणा के पुत्र कन्हैयालाल मीणा की प्रबल दावेदारी थी। यह कांग्रेस के लिए काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न था और उस प्रतिष्ठा को कांग्रेस ने जीत हासिल कर बचा तो लिया, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यह अगर उपचुनाव ट्रेलर माना जाए तो यह पूरी पिक्चर नहीं होगी। अब जो स्थितियां हैं,
काफी परिवर्तित हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक नगराज मीणा ने क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए। ऐसा नहीं है कि केवल अन्य जिलों में ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं की गई या विकास के कार्य करवाए गए। धरियावत को भी काफ़ी कुछ उपचुनाव से पहले भी दिया गया और उसके बाद भी दिया गया। उसका असर आने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और यहाँ पर वापस से जो उम्मीदवार थे कन्हैयालाल मीणा, उनकी दावेदारी मजबूत तौर पर सामने आ रही है। पार्टी किसको टिकट देगी ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो पिछले विधानसभा उपचुनाव में हुआ है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। इसलिए कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी अब की बार शायद कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहे। धरियावाद सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 2008 से अब तक यहां 3 बार चुनाव और 1 बार उपचुनाव हो चुका है, जिसमें 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी को जीत मिली है। 2008 में कांग्रेस के नागराज ने भाजपा के गौतम लाल मीणा को हराया था। 2013 में फिर से मुकाबला इन दोनों के बीच हुआ। इस बार बीजेपी जीत गई और गौतम लाल मीणा विधायक बन गए। फिर इसके बाद 2018 में चुनाव हुआ तो बीजेपी के गौतम लाल ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और नागराज को करारी शिकस्त दी। 2021 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर नागराज ने ताल ठोकी और बीजेपी से खेत सिंह खड़े हुए, लेकिन इस बार बीजेपी हार गई। धरियावाद के उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से उसकी सत्ता हथिया ली। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी की हार की मुख्य वजह बताते हैं। बीजेपी की गुटबाजी की वजह से ये सीट कांग्रेस ने कब्जाई। धरियावाद सीट पर भाजपा के हारने का कारण गुटबाजी को माना जाता है। कहते हैं गौतम मीणा के बाद टिकट के सबसे प्रबल दावेदार थे कन्हैयालाल, लेकिन तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के कहने पर उनके समर्थक खेत सिंह मीणा को पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके चलते गौतम मीणा के समर्थक भाजपा से छिटक गए और पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव में सबसे खास बात ये थी कि कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन श्रीराम पर गुलाबचंद कटारिया के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया था। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। खेत सिंह मीणा को जिस नागराज ने 10 साल बाद हराया था, वो कांग्रेस से तीसरी बार विधायक बने थे। इससे पहले वो 2 बार धरियावाद के विधायक रह चुके हैं। वो पहले सरकारी सेवा में थे, जिसे छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धरियावाद से उन्होंने ये 6ठी बार चुनाव लड़ा। लेकिन पिछले चुनाव पर गौर करें तो धरियावाद में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने वोटों में सेंध लगा दी। पिछले उपचुनाव में बीटीपी के बागी प्रत्याशी थावरचंद ने दूसरे नंबर पर आकर यहां के समीकरणों को बदलने की कोशिश की थी। उपचुनाव में बीटीपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी थावरचंद को 51,094 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खेत सिंह को उससे भी कम 46,487 मत मिले। इनके अलावा बीटीपी के मूल प्रत्याशी गणेश लाल मीणा को 2,290 वोट मिले। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बदले हुए समीकरण ने आने वाले चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें कि 2018 के चुनाव में बीजेपी अस्तित्व में आई थी, लेकिन बागड़ क्षेत्र में ही 2 सीट जीत पाई थी। अब धरियावाद में इसकी मौजूदगी ने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे तो आदिवासी सीटों पर कोई खास चुनावी मुद्दा नहीं रहता, न ही कोई समस्याएं हावी रहती हैं। तत्कालिक और प्रासंगिक मुद्दे भी पुरजोर तरीके से उठाए जाते हैं। ऐसे में धरियावाद में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला जोर पकड़ सकता है, क्योंकि इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना ने सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्योंकि देश ने इस घटना के कुछ ही दिन पहले मणिपुर जैसा कलेजे को कचोट देने वाला नजारा देखा था। धरियावाद की इस घटना पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था और ये मुद्दा अब भी रह रहकर उठाया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर चुनाव में ये अहम मुद्दा बन सकता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा है, वो है यहाँ पर एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने का। इस मामले में हालांकि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें उसका पति भी शामिल था। भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर तौर पर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। पूरे राजस्थान में
हालांकि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगातार हमलावर रही और इस मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक तरीके से पेश आई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे भी हुए, धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन कांग्रेस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर तत्काल दौरा किया और पीड़िता के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उन्होंने प्रयास किए और उसके लिए सरकारी नौकरी की घोषणा की, मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे नाकाफी बताया और जो तेज तर्रार नेता है, आदिवासी नेता, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रतापगढ़ पहुंचकर पीड़िता के साथ मुलाकात की और पुलिस प्रशासन पर उसे बंधक बनाने का आरोप भी लगाया, लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस मामले में जिस तरह से सक्रियता दिखाई गई और पुलिस ने जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मुद्दे पर बोलने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल जरूर खड़े हुए कि एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर किस तरह से बाजार में घुमाया गया। राष्ट्रीय मीडिया में भी यह सुर्खियों का विषय बना रहा। आगामी विधानसभा चुनाव में यह किस तरह से मुद्दा बनेगा यह दोनों पार्टियों पर निर्भर करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। चुनाव में ये मुद्दा बनता है या फिर नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में अपना सिर उठा सकते हैं। धरियाबाद में जनता की दो ऐसी मांगे हैं जो सालों से लंबित हैं। एक, यहाँ की जनता अनाज मंडी की मांग कर रही है। अनाज मंडी जिस जमीन पर लगनी है उस जमीन पर कोर्ट में केस पेंडिंग है, लिहाजा यहाँ की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी मांग है धारियाबाद को अहमदाबाद नेशनल हाईवे से जोड़ना। दरअसल अभी धारियाबाद को सलूम्बर डूंगरपुर होते हुए अहमदाबाद सिंगल रोड लाइन से जाना पड़ता है। ऐसे में आम जनता को व्यापार की बात हो या आवागमन की हो, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ये दो मांगें इस बार फिर चुनावों में मुद्दा बन पाएंगी। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इन मांगों को लेकर राजनीतिक दलों की राय क्या रहती है, राजनीतिक दलों का निर्णय क्या होता है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।